मैं भगवान दास, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। जैसा कि आपने पिछली बार कई एपिसोड डॉक्टर संजय आरडी के देख चुके हैं वास्तुशास्त्र के, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक एपिसोड लेकर के हम फिर आए हैं। आपका स्वागत है संजय जी। नमस्कार, एसके लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज पर्टिकुलरली हम लोग किस चीज पर बात करेंगे? ग्रह वास्तु और ये या आज हम लोग हमारे जो घर है, जी जी जी, जो हम फ्लैट में रहते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग कुछ और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। स्वागत, ताकि दर्शकों को भी बिल्कुल बिल्कुल समझने बिल्कुल में आसानी रहेगी। पूरा हर आदमी को ग्रह तो हर को रुचि रहती है, सपना भी रहता है हर आदमी का, चाहे फ्लैट में रहे चाहे घर बना के रहे। जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना घर हो चाहे भाड़े का हो चाहे जो भी हो, घर सबका होता है, तो इसको अपना घर होता है, तो इसको यूं मान लें कि भी ग्रह वास्तु, ग्रह वास्तु का आज हम लोग टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे। स्वागत है जी। जी इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने दिशाओं का बारे में कुछ चर्चा करी थी, कौन कौन सा देवी देवता कहाँ रहते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग घर में किस तरह से करते हैं इसके बारे में आज हम लोग कुछ विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भूमि चयन के बारे में हम लोग ने पिछले कड़ी में चर्चा करी थी कि भूमि का चयन कैसा हो, किस तरीके की भूमि हो, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। भूमि निर्णय होने के बाद हम उसमें अपना घर बनाएंगे या फ्लैट बनाएंगे, तो पहले हमने छोटी सी रूपरेखा एक जो आज के समाज में होता है कि फ्लैट का हम लोग पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जहाँ तक हो सके चौरस या आयातकार, आयातकार मतलब हो गया रेक्टेंगुलर, इस तरह का फ्लैट का चयन करें। ये हो गया चौरस, ये हो गया आयातकार यानी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में अब आपको ये देखना है, नॉर्थ साउथ लंबा भी हो सकता है या रेक्टेंगल आपका ईस्ट वेस्ट भी रेक्टेंगुलर लंबा फ्लैट हो सकता है। कोशिश करें कोई भी कोना कटा हुआ या बढ़ा हुआ न हो, ये अब अपने को फ्लैट के सिलेक्शन के ऊपर को समय को ध्यान दे समय पर ध्यान देने की बातें हैं। अभी जो मकान नए मकान बन रहे हैं उसमें कई बार डिज़ाइंस के लिए या उसको सुंदर बनाने के लिए फ्लैट में कहीं कुछ कटा काट देते हैं, कहीं कुछ बढ़ा देते हैं, तो कई बार तो कटा हुआ चल जाता है या कई बार बढ़ा हुआ कोई कोना चल जाता है, किंतु अगर वो गलत दिशा में कटा हुआ या बढ़ा हुआ है तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर फ्लैट की रचना की बात करते हैं। दिशाओं का पहले हमने पिछली कड़ी में बात की थी, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, चार मुख्य दिशाएं। जैसा कि हमने कहा था साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, अग्निकोण का सीधा संपर्क हुआ रसोई से। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्लैट की लेआउट ऐसी होती है कि अग्निकोण में रसोई संभव नहीं होती, तब उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट यानी वायु का स्थान।
किचन के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं फ्लैट में, या तो अग्निकोण में या वायु कोण में। इसके बाद हम आते हैं पूजा घर, जो फ्लैट का एक नॉर्मल फैमिलीज का अभिन्न भाग होता है पूजा घर। पूजा घर कहाँ होना चाहिए, जिसे देवस्थान भी कहते हैं। पूजा घर या देवस्थान का स्थान है नॉर्थ ईस्ट जोन, देव स्थान या इसे ईशान कोण भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जोन को ईशान कोण कहते हैं। मंदिर का स्थान नॉर्थ ईस्ट जोन में होना चाहिए, लेकिन इसमें कई बार लोग मंदिर बनाने के समय में भूल कर जाते हैं। एक कड़ी में मैंने आपको ये बताया था, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का माथा भी है, प्लस इसको सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का धारा प्रभाव नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ ईस्ट की तरफ मूव करता है। अब बहुत जन की ये धारणा है कि अगर हम बड़ा मंदिर बनवाएंगे, सुंदर मंदिर बनवाएंगे, तो देवता बहुत बेसी प्रसन्न होंगे। ये मूल रूप से धारणा ही गलत है। मंदिर आप ईशान कोण में बनवाइए, बट इसको हल्का मंदिर बनाइए। हल्का का मतलब हुआ प्लाईवुड या वुड, लकड़ी का। बहुत जन बड़े घर में मार्बल का मंदिर बनवा लेते हैं, जो मूलतः एक भूल कर जाते हैं। ईशान कोण को हमको हल्का और खाली रखना है। मार्बल का मंदिर बनाते हैं हम, वहाँ पर एक वजनदार कोई एक भारी चीज़ बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बनिस्पत बेसी होगा मंदिर के मुकाबले। मंदिर बनवाइए छोटा हल्का काठ का, ताकि ये नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है ये खाली रहे हल्का रहे। कई जगह मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, किंतु मार्बल का इतना बड़ा मंदिर, इतना विशाल मंदिर बना दिया कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें रहने वालों को भोगना पड़ा। अब आते हैं हम लोग टॉयलेट्स। आज के कल्चर में टॉयलेट बाथरूम फ्लैट में होना विद अटैच कंपलसरी हो गया है। पुराने ज़माने में टॉयलेट्स का प्रावधान घर के भीतर नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में टॉयलेट्स का यूज़ खुले मैदानों में होता था, और जैसे जैसे हमारे टाइम बदलता गया, टॉयलेट्स भी हमारे फ्लैट्स के भीतर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने लग गए। अब हमें टॉयलेट्स किस किस भाग में बनाना चाहिए, इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये पश्चिम का भाग है पूरा, ये दक्षिण का भाग है पूरा। इसमें आप कहीं भी टॉयलेट्स बनवा सकते हैं, पूरे दक्षिण भाग में, पूरे पश्चिम भाग में, सिवाय एक्सट्रीम जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है
जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, इस कोने को आप टॉयलेट के लिए मत यूज करिए, इसको आप अदरवाइज और बेडरूम में या स्टोर में यूज कर सकते हैं टॉयलेट के छोड़ के। अब आपकी पूरी दिशा पश्चिम की टॉयलेट के लिए आप बना सकते हो, दक्षिण में भी पूरा टॉयलेट बना सकते हो। अब टॉयलेट से मेरा मतलब है टॉयलेट एंड बाथरूम, स्नान घर। अब ये कंबाइंड बनता है, एक जमाने में टॉयलेट अलग बनता था, बाथरूम अलग बनता था, अब वो परंपरा बदल गई है। तो अब हम जब मैं जो बोल रहा हूँ टॉयलेट, इसका मतलब है टॉयलेट एंड बाथरूम। पूरे पश्चिम भाग में, पूरे दक्षिण भाग में सिर्फ नैऋत्य कोण को छोड़कर आप टॉयलेट बना सकते हैं। अब टॉयलेट में एक बात और उठती है, कॉमोड किस दिशा में होना चाहिए। कॉमोड चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हो, अब कोई भी आप उसको आप ले सकते हो। ये इंडियन कॉमोड हो गया, ये आपका वेस्टर्न कॉमोड हो गया। वास्तुशास्त्र ये सजेस्ट करता है कि कॉमोड या तो उत्तरमुखी हो या दक्षिण मुखी हो, पूरब या पश्चिम कॉमोड का मुंह नहीं होता है। पूरब पश्चिम का मतलब हुआ कि या तो सूर्योदय या सूर्यास्त, इसकी तरफ हम पीठ करके कॉमोड नहीं लगाते। अब हम बात करते हैं स्टोर रूम की। स्टोर यानी भंडार घर, जहाँ पर हम घर का एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा राशन रखते हैं, विंटर्स के ठंड के कपड़े रखते हैं जो ठंड में यूज होंगे। आप स्टोर को पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में, साउथ एंड वेस्ट लाइन, कहीं भी आप स्टोर का भाग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेडरूम्स की। शयन कक्ष, वास्तु सिद्धांत से ये कहते हैं पश्चिम की भाग और दक्षिण की भाग बेडरूम्स के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। दक्षिण में किचन का स्थान ये हुआ, उत्तर के हिसाब से किचन का स्थान ये भी हो सकता है। इसके बाद जो जगह बचती है इसमें हम बेडरूम्स बना सकते हैं। कुछ भाग में हम उत्तर का भी भाग बेडरूम के लिए और पूरब का भी भाग बेडरूम के लिए उपयोग करते हैं। अब इसमें प्रश्न उठेगा, बेडरूम्स तो बेडरूम है, कौन फैमिली किस बेडरूम को यूज करेगी। जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, नैऋत्य स्थान बोलते हैं इसको, इसको कर्ता का स्थान भी कहा जाता है। कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली। इस अभिप्राय से साउथ वेस्ट का रूम जो है ये हम साधारणतः मास्टर बेडरूम में यूज करते हैं।
मास्टर बेडरूम यानी कर्ता का बेडरूम। इसके बाद जो कमरे बसते हैं या बेडरूम्स बसते हैं इसको हम फैमिली बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके साउथ वेस्ट का रूम हमेशा ही कर्ता को देना दीजिए, कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली को दीजिए और किसी का मत दीजिए वो कमरा। अब हम लोग बात करते हैं हॉल की। हॉल से मेरा मतलब है ड्राइंग एंड डाइनिंग। पहले डाइनिंग और ड्राइंग अलग अलग हुआ करती थी। अभी के कल्चर में चूंकि स्पेस और जगह की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं तो हॉल एक ही बनता है, उसी का दो भाग करके हम ड्राइंग और डाइनिंग का यूज करते हैं। वास्तु का एक मूल सिद्धांत क्या बोलता है, पश्चिम और दक्षिण भाग भारी होना चाहिए, उत्तर और पूर्व का भाग हल्का होना चाहिए। इसी अभिप्राय से जो रूम्स बनते हैं हमारे वो दक्षिण और पश्चिम के भाग में बनते हैं, और जो हॉल या बैठक खाना है या डाइनिंग हॉल है इसको हम कोशिश करते हैं उत्तर या पूर्व के भाग में ही रखें। हॉल मतलब खुला स्पेस यानी हल्का। रूम्स, टॉयलेट, स्टोर, ये सब कवर्ड एरियाज है, इसको हम भारी एरिया बोलते हैं। हॉल हो गया हल्का। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हॉल को हम नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट में हॉल रखें, दैट इज यूज्ड डाइनिंग और ड्राइंग, वो अपने ऊपर है। फ्लैट के भीतर बैल्कोनी होना हमारी एक आज की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है कि हम हर काम के लिए ऊपर छत पे नहीं भाग सकते, हमारा दायरा एक फ्लैट के भीतर ही रह गया है। अब हम बैल्कोनी को हम कहाँ प्लेस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हॉल इज अ खुला स्पेस या हल्का माना जाता है उसको, उसी हिसाब से बैल्कोनी का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। यानी बैल्कोनीज हमारी रहेगी नॉर्थ में या ईस्ट पार्ट में, उत्तर या पूर्व दिशा में ही बैल्कोनी को अच्छा माना गया है। अगर ये बैल्कोनी एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट होती है तो और अच्छी बात है। यानी कि अगर फ्लैट मेरा एक बराबर शेप में है, बैल्कोनी बढ़ी हुई है, या तो उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो, होगा ये नॉर्थ ईस्ट जोन में। ईशान कोण जो बढ़ा हुआ हम बोलते हैं वो ही हम लोग बैल्कोनी के हिसाब से बढ़ा के उसको रख सकते हैं। अब आएगा प्रश्न फ्लैट का गेट कहाँ हो। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उत्तर या पूर्व का ही हमेशा फ्लैट का गेट मिलेगा। दिशाएं चारों अपनी जगह सही है, चारों दिशाओं में गेट हो सकता है, पर कौन से भाग में होगा ये निर्णय करना ज़रूरी है। अगर हम उत्तर के भाग का गेट ले रहे हैं इसके बीच में हम कहीं भी गेट फ्लैट का रख सकते हैं, उत्तर विभाग में। अगर है पूरब का भाग है तो इस दिशा में हम कहीं भी गेट को ले सकते हैं। ये मैं गेट की पोजीशन आपको मोटे रूप से बता रहा हूँ, माइनूटली इसका हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ कि गेट कहाँ कहाँ हो सकता है। दक्षिण दिशा में इस भाग में गेट हो सकता है,
पश्चिम में इस भाग में गेट हो सकता है। अब कई जन की धारणा है कि दक्षिण का गेट है इसलिए खराब है या पूरब का गेट है इसलिए अच्छा है, ये धारणा गलत है। दिशाएं चारों अच्छी है, कौन से भाग में गेट लेना ये निर्णय करना है। अभी कुछ दिन पहले मैं मदुरई गया था, मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल मैंने घूम के देखा, उसमें चारों दिशाओं में गेट है। तो कोई गेट अच्छा या खराब नहीं है, उसकी प्लेसमेंट या उसका जोन सही आपको करना है। एक फ्लैट के भीतर जो हमारी आज के कॉन्सेप्ट में बनती है लॉफ्ट, जिसे हम दुछत्ती कहते हैं, टांड भी कहते हैं पुरानी भाषा में उसे, थोड़ी हाइट के ऊपर एक एक्स्ट्रा सीलिंग करवा दी, उसमें हमने एक्स्ट्रा माल रख दिया, वो कहाँ हो सकती है? लॉफ्ट का मतलब हुआ हम एक एक्स्ट्रा एक स्टोर बना रहे हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा सामान रख रहे हैं और उसको हम भारी कर रहे हैं। फिर वही बात है, भारी या लॉफ्ट का जो काम होगा वो दक्षिण या पश्चिम भाग में ही हो सकता है, उत्तर या पूर्व में हम कोई दुछत्ती या लॉफ्ट नहीं बनाएंगे। अब बात आएगी फर्नीचर की, कि एक कमरे का भीतर हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखने की है, कि कहाँ बेड लगाएं, कहाँ अलमारी रखें और कहाँ मिरर लगाएं। मूल रूप से ये तीन चीज़ का ध्यान रखने से अपना काम वास्तु का हो जाता है। बेड का सिरहाना सर्वप्रथम या तो दक्षिण का या फिर पूरब का। अब ये उम्र के हिसाब से निर्णय होगा कि दक्षिण का माथा या पूरब का माथा में कौन सा अच्छा पड़ता है और किस पर्पस के लिए वो रूम है, उसके हिसाब से निर्णय होगा। दक्षिण या पूरब का ही माथा हम लोग नॉर्मली फर्नीचर में रखते हैं। रूम में सबसे बड़ी और भारी चीज होती है अलमीरा। अलमीरा या वार्डरोब, जिसमें हम अपना कैश वैल्यूबल्स कपड़े सब रखते हैं, वो कोशिश रहती है हमारी या तो पश्चिम दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो। यानी ये अलमारी हो गई, ये अगर पश्चिम दिशा में है तो पूरब की तरफ खुल रही है, अगर दक्षिण में है तो उत्तर की तरफ खुल रही है। ये हो गया हमारा अलमारी का या वार्डरोब का प्लेसमेंट। इसके बाद जो एक चीज़ और बचती है कमरे में वो है मिरर, ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि मिरर को या तो उत्तर की वाल में या पूरब की वाल में ही लगाया जाए, किंतु इस तरीके से लगाया जाए कि ठीक खाट के सामने ना आए, यानी जस्ट ऑपोजिट द बेड मिरर नहीं रखते। इट कैन बी ऑन द साइड, साइड में हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, बट बेड के ठीक सामने मिरर नहीं रखते। अब कई घरों में ऐसा रहता है कि ये फर्नीचर बना हुआ है, फिक्स फर्नीचर है, वॉल के साथ में जोड़ा हुआ है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। उसका उपाय ये है कि मिरर के ऊपर एक पतला नेट टाइप का कोई कपड़ा यूज़ कर लीजिए, जब आप व्यवहार कर रहे हैं नेट को हटा दीजिए, अदरवाइज उसको पर्दा रहने दीजिए उसके ऊपर, तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन बेड का मिरर के ऊपर नहीं आएगा। ये हो गई हमारे फ्लैट के भीतर की बात। अब अगर हम बंगलो बना रहे हैं, भीतर का जो मूलभूत सिद्धांत है वो सेम रहेगा। बंगलों के अलावा, बंगलों में इसके अलावा हमारा और क्या क्या ऐड होगा वो हम और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
ये समझ लेते हैं कि ये आपकी एक बड़ी जमीन है, दरवाजा हमने अपने प्लेसमेंट के हिसाब से सेट कर लिया, अब बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे? क्योंकि बंगलों में क्या होता है कि एक 50% या 60% हम लोग कवरेज लेते हैं, बाकी को ओपन एरिया, ग्रीन लॉन ऐसे करके छोड़ देते हैं। तब हम पंच तत्व के हिसाब से अगर जाते हैं, ये पृथ्वी का स्थान है साउथ वेस्ट, तो हमारी जो बिल्डिंग बनेगी बंगलों की वो साउथ वेस्ट में बनेगी। इस साउथ वेस्ट के हिसाब से फिर अग्निकोण के हिसाब से किचन यहाँ आएगा साउथ ईस्ट में, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आएगा। ये भीतर की प्लेसमेंट है जो सेम लगभग फ्लैट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम रहेगी। इसमें जो एडिशंस हो रहे हैं, उत्तर और पूरब की तरफ हमें खाली स्पेस अधिक रखनी है, पश्चिम और दक्षिण की तरफ हमें खाली स्पेस कम रखनी है। इसके अलावा जो इसमें ऐड हो रहा है हमारा एक्स्ट्रा, एक सेफ्टी टैंक बनती है टॉयलेट की, कई जगह सेंट्रल सीवरेज सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे सिलीगुड़ी में उत्तरायण में सेंट्रल सीवरेज सिस्टम है, बाकी हर बिल्डिंग को अपनी सेफ्टी टैंक अलग बनवानी पड़ती है। तो अगर हम सेफ्टी टैंक की प्लेसमेंट देखते हैं, या तो हम नॉर्थ वेस्ट का, इसका सबसे प्रथम चॉइस का स्थान है नॉर्थ वेस्ट फॉर सेफ्टी टैंक। इसके अलावा इसमें एक बनेगी बोरिंग या कुआं जो परमिशन हो, और एक अंडरग्राउंड रिजर्वर जहाँ से बाहर का जो सप्लाई का पानी आता है उसे हम पहले जमा करते हैं फिर मोटर लगा के ऊपर चढ़ाते हैं। पानी का स्थान हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान को। इतना अगर हम ध्यान दे दें तो मूल रूप से हम हमारे फ्लैट को या बंगलों को वास्तु अनुरूप बना सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके अगर प्रश्न हो तो आप एसके लाइव के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद संजय जी। बड़े गौर से मैं सुन रहा था तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया जी। हेड ऑफ दी फैमिली, एक तो रियल में जो हेड ऑफ दी फैमिली होता है वो होता है जी, और एक जो अर्निंग मेंबर होता है जी, कई बार समझ लिया जाता है कि ये हेड ऑफ दी फैमिली है जी। तो ये यदि विचार किसी के दिमाग में आए तो सही क्या है? इसका निर्णय पारिवारिक माहौल को देखते हुए करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पिताजी जो हेड ऑफ द फैमिली होने चाहिए वो 50 या 55 साल की एज में ही रिटायर हो गए हैं, हो गए, और अपना सारा जिम्मेवारी लड़की के ऊपर छोड़ दिए जी, और वो खुद अपना पूजा पाठ में और भजन में लगे हुए हैं। तब मैं लड़कियों को कर्ता का रोल प्ले करने की जगह दूंगा, यानी लड़के को फिर मैं कर्ता का हेड ऑफ द फैमिली मानूंगा। कई बार ऐसा होता है कि 70 साल की उम्र में भी हेड ऑफ द फैमिली यानी जो करता है फुल एक्टिव हैं, पूरा डिसीजन ले रहे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, तब वहाँ पर मेरे को पिताजी को ही हेड ऑफ द फैमिली मानना पड़ेगा। मतलब ये पारिवारिक माहौल को समझते हुए करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि वो वर्किंग तो है जी, लेकिन मान लीजिए उसके बाद में भी मान लीजिए खर्चा वर्चा जो बाग डोग रहे वो लड़के के हाथ में रहती है, तो चूंकि पिता वर्किंग है तो हेड ऑफ द फैमिली उसे मानेंगे, पिताजी को ही मानना होगा। अच्छा, वर्किंग एंड एक्टिव। एक होता है जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जी जी, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द भारत के संविधान के हेड वही है बिल्कुल, बट पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है बिल्कुल। ये परिस्थिति को देखते हुए हमें निर्णय करना पड़ता है लड़का को रूम देना है या पिताजी। कई बार है कि पिताजी शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं यंग एज में, सारा हेड सारा जिम्मेवारी लड़के के ऊपर आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली वही करता रहेगा क्योंकि पिताजी काम नहीं करता, अक्षम है बोल के तो वैसा वो डिसीजन वैसे दिया जाता है। माने यदि पिता सक्षम है और वर्किंग है तो उस स्थिति में हेड ऑफ द फैमिली उन्हीं को माना जाएगा भले ही वो स्वेच्छा से लड़के को पावर दे दे कि भी वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। फाइनल डिसीजन किसका है? फाइनल डिसीजन अगर पिताजी का आज भी वो कमांड में है
मैं उनको ही कर्ता का स्थान दूंगा। किसी स्थितियों में ये देखा जाता है कि भी एक ही जगह रहते हैं और लड़का भी अपने धुन में अपना काम करता है, बेटा बहू उधर जो है, माता पिता भी अपने हिसाब से करते रहते हैं। ये कई बार देखा गया है कि रूम की गलत दिशा मतलब निर्णय से ये चीज होती है। अच्छा, कि पिताजी एक्टिव होते हुए भी अपने कमरे में नहीं है और वो स्थान लड़के ने ले रखा है तो लड़का उन पे भारी पड़ता है जी। ऐसा कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब सवाल ये नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, कमाई से कोई मतलब नहीं, मतलब ये कि उनका स्थान सही है, सही है कि नहीं। मेन स्विच रहेगा और इंडिविजुअल बल्ब का स्विच रहेगा। अब दोनों में अगर गलत जगह है तो कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा संजय जी, एक अभी आपने अपने स्पीच में भी जब आप बता रहे थे तो कहा था कि आप अभी दक्षिण होके आए हैं मदुरई। जी, अभी मैं कुछ दिनों पहले मदुरई और चेन्नई गया था। तो मदुरई में तो बहुत फेमस मीनाक्षी मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ और मैंने दक्षिण में देखा है कि तकरीबन जो है एक ही स्टाइल के उनके जो मुख्य हिस्से वो बने हुए हैं जी। तो मंदिरों की जो वास्तु है जी, और ये सुनने भी बार बार आता है कि चूंकि उनकी वास्तु सही है इस वजह से वो सदियों से खड़े जी। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? इसका थोड़ा सा गहन विश्लेषण है जी, ये हम फिर अगले एपिसोड में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे जी। मैं आपको विस्तृत रूप से जो मैंने भ्रमण किया है भारत में और जहाँ जगह जगह जो मेरी एक विचारधारा है मंदिरों के बारे में वो आपसे फिर मैं शेयर करूँगा। संजय जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा समय दिया आपने। और कंक्लूजन में यदि मैं बोलूं जी, तो मुख्य बातें जो हर आदमी को जाननी चाहिए वो आपने बहुत क्लियर की। मैंने कोशिश करी है कि एक साधारण लैंग्वेज में साधारण आदमी को पहुंचा, इस बात को नहीं, जो बिल्कुल सही है ये कि जैसे रसोई है, मंदिर है, सोने का स्थान है, डाइनिंग, ड्राइंग, और इसके अंदर जो फर्नीचर तक का आपने विश्लेषण किया, यदि कोई ध्यान देगा तो उसको तकरीबन जैसे मुझे सब समझ में, बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिक नॉलेज हर आदमी को रखना चाहिए कि कोई कम से कम अपने हाथों से मेजर भूल ना करे। और एक आपने जो बताई, जैसे मान लीजिए मिरर रखना ही पड़े सामने तो पर्दा डाल दो, आपने उपाय उपाय भी बता दी क्योंकि ऐसा रेगुलर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इन केस किसी व्यक्ति को, किसी महिला या पुरुष को, किसी ग्रस्त को ये बात समझ में नहीं आई हो तो वो किसी वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके पूछ सकते, कहीं भी कोई संशय है तो उसको दूर कर ले, जिनका अपना कंसल्टेंट है वो उनसे पूछ सकते। बिल्कुल सही बोले एकदम। तो आज के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।